अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू सुपर टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम व्हाट्सएप की कुछ सेटिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने व्हाट्सएप पे आना है। जो सबसे पहली सेटिंग है वो ये है कि आपको आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको किसी ग्रुप में जो है आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐड ना कर सके, तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप्स का, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, यहाँ पे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपने सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरे पास पहले से सेलेक्ट है यानी कि ये मुझे ऐड नहीं कर सकते। अगर नहीं सेलेक्ट है आपने सबको क्या इकट्ठा कहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसको चेक कर देना है। तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस ग्रीन टिक पे आपने क्लिक करना है। अब जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनमें से कोई भी आपको जो है किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेगा। जब भी वो आपको किसी ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक इन्विटेशन आएगा, ठीक है, जिसमें ये लिखा होगा कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे उस ग्रुप का लिंक वगैरह होगा। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो उसको जो है आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग जो है वो मैं यहाँ पे ही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। वो ये है कि अगर आपको कोई बंदा मैसेज करता है और आप चाहते हैं कि आप मैसेज रीड कर लें, मैसेज रीड करने के बाद भी जो टिक्स ब्लू हो जाती हैं, वो चाहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि वो टिक्स ब्लू ना हो आपके मैसेज देखने के बाद भी, तो आपने यहाँ से रीड रिसिपिएंट्स का ये जो ऑप्शन है इसको ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद क्या होगा कि आप अगर कोई मैसेज करता है आपको, आप वो मैसेज देख भी लेते हैं तो अगले बंदे को वो ब्लू टिक्स शो नहीं होंगी। ठीक है, वो ऐसे ही शो होगा जैसे मैसेज डिलीवर हुआ है, अभी तक सीन नहीं हुआ। और अगर किसी अगले बंदे ने ऐसा किया हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मैसेज सीन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं या नहीं, कहीं ये वाली सेटिंग तो नहीं ऑन, तो आपने क्या करना है कि उस बंदे को कर लेना है एक वॉइस मैसेज। जैसे ही आप एक वॉइस मैसेज करेंगे ना, तो जैसे ही वो बंदा वॉइस मैसेज सुनेगा तो वॉइस मैसेज में जो माइक होता है वो ब्लू हो जाएगा फ़ौरन से, और उससे पता लग जाएगा कि वो आपके मैसेज साथ साथ देखता है, सुनता है, लेकिन उसने रीड रिसिपिएंट्स का जो ऑप्शन है वो ऑफ करके रखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है कि आजकल काफ़ी लोग पबजी वगैरह खेल रहे होते हैं, या फिर यूट्यूब पर अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं या ऐसा कुछ है, यानी कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका मोबाइल किसी और के हाथ में है और आप ये चाहते हैं कि अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो उसका जो नोटिफिकेशन पॉपअप यहाँ पे होता है वो शो ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है, नोटिफिकेशन चेक करना है। तो नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपने यहाँ से इनको ऑफ कर देना है, यहाँ से हाई प्रायोरिटी जो है नोटिफिकेशन इन दोनों को ऑफ कर देना। ऑफ़ करने के बाद अब क्या होगा कि अगर आपको कोई मैसेज करता है तो वो पॉपअप जो होता है मैसेजेस वाला वो शो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक जो नोटिफिकेशन बार होती है जहाँ पर आपको वो व्हाट्सएप का आइकन जो है वो शो हो जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट्सएप पर आपको किसी ने मैसेज किया है। उसके बाद जो एक चीज़ है वो है अपना ही रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस मैसेज सेंड करने से पहले सुनना। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को वॉइस मैसेज कर रहे हैं तो उसे सेंड होने से पहले आप खुद एक दफ़ा सुन लें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपना वॉइस मैसेज आपने रिकॉर्ड कर लेना है। अब ये वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ये मैसेज जो है आप सेंड करने से पहले सुन सकें, तो आपने IB से बाहर आ जाना है, बाहर आना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोबारा IB में जाना है। दोबारा आप IB में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास प्ले का ऑप्शन होगा, तो ये आप सेंड करने से पहले सुन सकते हैं। अब ये वॉइस मैसेज, ठीक है, अब ये आप सुन सकते हैं। सुनने के बाद आप यहाँ से इसको सेंड कर देंगे तो वो सेंड हो जाएगा, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। और इसके अलावा जो लास्ट सेटिंग है वो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी, वो ये है कि मैसेंजर में आपको एक फ़ीचर मिलता है चैट हेड वाला, यानी आप जो है स्क्रीन पे रह के अपने मोबाइल की या फिर कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते हुए उसके ऊपर आपको चैट हेड आ जाती है, उसमें आप बात कर लेते हैं, आपको मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना पड़ता। तो व्हाट्सएप के लिए भी एक ऐसा ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपने सर्च करना है व्हाट्स बबल, ठीक है, मेरे पास वैसे ओपन थी, ये लिख के आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो ये आइकन है ना, ये वाला, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, मैं ओपन कर लेती हूँ। आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है।
ओपन करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। कुछ परमिशंस होंगी यहाँ पे, अब आपने इसको परमिशंस देनी है। ओवरले परमिशंस दे दी, उसके बाद है नोटिफिकेशन एक्सेस, ये भी इसको देनी है व्हाट्सएप बबल को, ठीक है, अलो करना है और अब इसको डन कर देना है। डन करने के बाद अब आपके पास ये इनेबल हो गया। अब जैसे ही आपको कोई मैसेज आएगा तो वो आपको एक चैट हेड की शक्ल में आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी एक इसको बैक कर लेते हैं। अगर आप देखना कि अगर आप वॉइस ये सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है तो क्या शो होगा, ये देखें जी चैट हेड आ गई है। अब इस चैट हेड को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज शो हो रहा है, आप यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये होगा कि जैसे आप मैसेज कर रहे हैं या आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं होंगे, यहाँ पे आप ऑफलाइन रह के ही मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें तो ये एक बड़ा मुझे कमाल का फीचर लग गया, आपको भी उम्मीद है पसंद आया होगा। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर बुरी भी लगी है या कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।